आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि कल के मार्केट का क्या आउटलुक हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी आफ्टर लॉन्ग अप ट्रेंड आज जो है थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा है, और एज पर टेक्निकल एनालिसिस कल मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन दिख सकता है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है। और ओवरऑल आप देखेंगे तो इस समय जो अमेरिकन मार्केट है डाउ जोन अराउंड 0.5% डाउन ट्रेंड में है, वहीं देखेंगे तो नैसडेक ग्रीन में है, हालांकि फ्लैट ही है, और SGX निफ्टी जो है वो 0.5% के डाउन ट्रेंड में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी का कल के लिए क्या व्यू होना चाहिए? निफ्टी को आज अगर टेक्निकल एनालिसिस के व्यू से देखेंगे तो 16,585 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहा, हालांकि रेजिस्टेंस देखें तो 16,560 का ही रहा, और एक सपोर्ट रहा 16,500 का। तो कल के लिए अगर निफ्टी 16,500 को ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी दिख सकता है। तो पहला टारगेट 16,400, दूसरा टारगेट 16,320 टू 16,360 तक के लेवल्स दिख सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 16,550। अगर अपर ट्रेंड देखे, अगर ये मार्केट 16,560 के लेवल को ब्रेक करती है तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड 16,750 और 16,800 तक के लिए दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल आई होप कि आपने नोटबुक में लिख लिया है, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ा और इम्प्रूव हो सके। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आज काफ़ी समय के बाद एक अच्छा ट्रेड दिखा, जहां हमने कहा कि 36,000 और 150 और 180 के आसपास का जो प्राइस है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में असमर्थ रहा। उसके बाद कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिखा, हालांकि जो सपोर्ट है 35,900 का वो भी स्ट्रांगली रिस्पेक्ट होते हुए दिखा है। तो कल के लेवल में अगर 35,900 को ब्रेक करती है तो 35,700 पहला टारगेट, 35,500 दूसरा टारगेट। अपर साइड अगर आप देखें 36,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो एग्रेसिवली आप बाइंग कर सकते हैं 36,200, 36,400 के लेवल के लिए। दो स्टॉक है जो कल के रडार पे लेना है, पहला ITC है, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमने आज एक ब्रेकआउट देखा है और वो 52 वीक हाई बनाया। अगर मार्केट ग्रीन में होता है तो उसमें आप 1:2 के रेशियो में ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा ट्रेड कल के लिए होगा कोटक। कोटक में अगर बैंक निफ्टी सपोर्टिव रहता है तो आप स्ट्रांगली लॉन्ग करें, और अगर बैंक निफ्टी वीक रहता है तो आप HDFC को शॉर्ट